एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो आज जो है वो हम एक मेजर गौरव आर्या की वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है 5 इंडियन सोल्जर्स मार्टायर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, टाइम टू टेक काइनेटिक एक्शन। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। राष्ट्रीय राइफल्स को हटाओ, एक बड़ी मुहिम चल रही है कि आरआर को हटाओ, वैली से आरआर को। देखो ऐसा है कि ठीक है, हटाना है, बिल्कुल हटाइए। वो नल है आईएसआई, वो जो पानी बह रहा है वो आतंकवादी। दोस्तों महादेव की सौगंध में इनके नाक से ना लकीरें खिंचवा ली। मैं बता रहा हूँ वो क्या करेगा। ये तो मुझे भी धमकी देते हैं, मुझे भी धमकी देते हैं पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों हमने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करा है, टीसीडी शॉर्ट्स। आप उस पर जाइए और नए नए क्लिप्स देखिए, नए नए शॉर्ट्स देखिए वहां पे, और उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपका जो प्रोत्साहन है हमारा मनोबल बढ़ाता है। दोस्तों आज की पहली खबर है जो कल पुंछ पे अटैक हुआ था, ये जरूरी है इस चीज को कवर करना। मैं चाहता हूं कि विस्तार से आपको समझाऊं इस पूरे टेररिज्म के मामले में। देखिए ऐसा है कि काफी टाइम से कश्मीर में, कश्मीर घाटी में, हम लोग जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, मैं आपको ज्योग्राफिकल डिफरेंस समझाता हूं। उनमें फर्क बहुत है, कई चीजों में फर्क है, जबान में फर्क है, खानों में फर्क है, कल्चर में फर्क है, नाक नक्श में फर्क है, जिस प्रकार के गाने होते हैं वहां पे, जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें फर्क है, वेशभूषा में फर्क है, वहां पे जो शादी की रस्में हैं उसमें फर्क है, बहुत कुछ फर्क है। जम्मू और कश्मीर में एक ही यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, और एक जमाने में जम्मू कश्मीर लद्दाख तो आप जानते हैं कि J&K स्टेट हुआ करता था, अब तो यूनियन टेरिटरी है। दो तीन चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। ये जो अटैक है अभी जो हुआ है ये क्यों, क्योंकि बिंबर गली एक जगह जिसको फौजी, आप फौजी बिंबर गली नहीं बोलते, जनरली फौजी बोलेंगे, बीजी केजी, कृष्ण घाटी केजी, बिंबर गली बीजी, पुंछ, ये रास्ता है। और मैं इस रास्ते के बारे में, पूरे एरिया के बारे में इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं यहां पे पोस्टेड रह चुका हूं। मेरी पोस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे थी, मेरी पलटन 17 कुमाऊ पुंछ में थी, तो यही एरिया हमारा था। जम्मू पे उतरते थे, जम्मू ट्रांजिट कैंप से हमारी कॉन्वॉय चलती थी, खटर पटर यहां पे सुंदरबनी में रुकते थे हम लोग, लंच करते थे, फिर आगे जाते थे, एक रात हम रजौरी में रुकते थे, फिर अगले दिन पुंछ जाते। तो ये सब मैं पुरानी बातें बता रहा हूं आपको, लेट 90s की बातें बता रहा हूं। आज का क्या प्रोग्राम है आई डोंट नो, बट जमीन तो वही है, सड़कें वही हैं, जंगल वही हैं, पत्थर वही हैं, नदी नाले वही हैं, पहाड़ वही हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं केस हुआ क्या है। राष्ट्र राइफल्स की एक बटालियन है, उसकी गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर आतंकवादियों ने अटैक कर दिया। आतंकवादियों ने अटैक करा है और उस गाड़ी में आग लगी है, ऐसा अनुमान है कि ग्रेनेड फेंके गए होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आग लगी, क्योंकि सिर्फ गनफायर से आग नहीं लगती, जब तक कि पेट्रोल या कोई ऐसी चीज, और बड़ी गाड़ी थी जाहिर सी बात है, डीजल की गाड़ी थी, इसलिए हम मान के चलते हैं कि इतनी आसानी से वो आग नहीं पकड़ेगी। डीजल इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ता, पेट्रोल तो आपको लगाना पड़ता है, वो माचिस की थोड़ा सा दूर से ही पेट्रोल आग पकड़ लेता है, जो फ्रिक्शन होता है, लेकिन डीजल ऐसा नहीं। एनीवे, तो ये तो थोड़ी सी स्पेसिफिक्स थी। ये जो पूरा एरिया है ये घुमावदार एरिया है, और आप देखेंगे एक तरफ पहाड़ है और उधर जंगल है, काफी घने जंगल है। जब आप ऊपर जाएंगे जंगल ही जंगल आपको मीलों दर मीलों, 100-100 किलोमीटर तक आपको दिखेगा कि काफी डेंस फोलियज है। और पुंछ रजौरी की खासियत है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे अगर आप यहां पे बैठे हैं, फौजी टुकड़ी अगर यहां पे बैठी है, 15 लोग बैठे हैं, 10 मीटर दूर अगर आतंकवादी हैं आपको दिखेगा नहीं, अगर आतंकवादी आवाज नहीं करता, हरकत नहीं करता, इट्स इम्पॉसिबल, आप पता ही नहीं लगा सकते। वो एरिया ऐसा है, और जो वहां पे नहीं गया, जो वहां पे नहीं रहा है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो यही बोलेगा, साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि बगल में, आप कभी जाइएगा आपको पता लगेगा, आपको यू विल फिगर आउट दैट देयर इज नो वे टू नो। अच्छा, वहां पे हुई ये अटैक और 5 हमारे साथी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं आपको, जैसे मैंने बोला था ना विस्तार में समझाऊंगा, मैंने आपको ज्योग्राफी, फोलियज और किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके की टेरेन है, मैंने आपको मोटा मोटी समझा दिया। दोस्तों ऐसा है कि जो टेररिज्म है ना वो एरिया शिफ्ट करती है। आपने पुलवामा का अटैक आपने सुना ही है, राइट? आपने ये सुना कि पुलवामा में अटैक हो गया, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो, आप जनरली न्यूज़ ऐसी सुनते हैं,
आपने बहुत कम सुना होगा कि जम्मू साइड में हो गया, जम्मू में भी होता है लेकिन सुनाई कम देता है जम्मू का, क्योंकि जम्मू में एक्चुअली जम्मू में अटैक्स कम हुए हैं पिछले आई थिंक 8-10 सालों में बनस्पत कश्मीर, तो इसलिए आपने मीडिया में कश्मीर ज़्यादा सुना है, आपने स्टोन पेल्टिंग सुनी है जो कि जम्मू में मुझे नहीं लगता कभी हुई होगी, तो हुई होगी कभी वंस इन अ वाइल, बट जम्मू में ये सब कम होता है, बहुत ना के बराबर होता है। जब मैं वहाँ पे था तो सबसे जो हॉट एरियाज थे, व्हेन आई से हॉट मेरा टेम्परेचर से मतलब नहीं है, मेरा टेररिज्म से मतलब है, टेररिज्म के हिसाब से जो सबसे हॉट एरिया थे वो कश्मीर नहीं था, वो साउथ कश्मीर नहीं था, वो पुलवामा और अनंतनाग और त्राल की बात कर लो या और मतलब ये सब एरियाज है, इवन श्रीनगर रहते हैं, ये हॉट थे नहीं इतने। हमारे टाइम पे जब मैं था वहां पे सबसे हॉट एरिया थे सूरनकोट डोडा किश्तवाड़, ठीक है, ये तीन एरिया थे जो बड़े हॉट थे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जम्मू कश्मीर का नक्शा देखेंगे ना, आपको ये पता लगेगा कि POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो एक्चुअली होना चाहिए POJ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू, क्योंकि कश्मीर का एरिया कम है, जम्मू का एरिया बहुत ज़्यादा है, उसमें जम्मू का एरिया बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप देखेंगे उस तरफ के जो पाकिस्तानी जो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, POJ एक ही स्टेट है पर ना दोनों की भाषाएं, जैसे मैंने बोला था ना कश्मीरी भाषा बहुत अलग है, जम्मू वालों की भाषा बहुत अलग है, उनके खाने बहुत अलग हैं, राइट। तो आप जनरली देखेंगे पाकिस्तान की तरफ जो ज़्यादातर जो बोलेंगे ना हम लोग आज़ाद कश्मीर के हैं, वो कश्मीरी नहीं बोलते, कुछ लोग जो गिलगित बाल्टिस्तान के हों बाल्टी बोल लेंगे, राइट, कुछ अपनी डोगरी बोल लेंगे, कुछ अपनी पहाड़ी बोल लेंगे, इस तरीके की ज़बानें बोलेंगे जो कि पंजाबी से मिलती जुलती हैं। अगर आप पंजाबी जानते हैं तो आप 70% डोगरी समझ सकते हैं, कुछ डोगरी के फ्रेजेज हैं, बोलने का तरीका है जो जम्मू वालों का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अगर आप पंजाबी समझते हैं तो थोड़ी बहुत डोगरी समझ लेंगे, डोगरी समझते हैं तो पंजाबी समझ लेंगे, राइट, लेकिन कश्मीरी जबान बिल्कुल अलग है। तो यहां से जब इन्फिल्ट्रेट करा टेररिस्ट ने, या पहले से साइड से कहीं से इन्फिल्ट्रेट करा और यहां पे आके बैठे, या लोकल टेररिस्ट हैं, इन्होंने जब कॉन्वॉय पे अटैक करा तो हिट एंड रन करा और यहां से गायब हो गए। अच्छा, ये भी चीज है कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू एरिया में, जिसको हम 16 कोर का एरिया बोलते हैं दोस्तों, वहां पे अटैक्स हुए हैं, ये बात नहीं सच है, राइट। तो जैसा मैंने बोला कि टेररिज्म ना लोकेशन शिफ्ट करती है, रीजन शिफ्ट करती है। सबसे पहले जो है वो हमें इसमें जो है वो जम्मू और कश्मीर का डिफरेंस देखने को मिला, जैसे कि उन्होंने बताया कि ट्रेडिशन में, कल्चर में, फूड में, यानी हर लिहाज से एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में भी इवन जो है वो डिफरेंस था, और इसके अलावा उन्होंने जो है वो एक अपनी सारी बाकी उन्होंने जैसे लोकेलिटी का भी बताया कि जम्मू किस साइड पे वाकिया है, कश्मीर किस साइड पे है, और उनका डिफरेंस और उनके नामों का डिफरेंस, और ये भी बताया कि किस किस यानी कि टाइम पे कितने वो टेररिज्म के लिहाज से उस टाइम पे कितने यानी एक्टिव थे, तब के लिहाज से एक्टिव थे, और उन्होंने हमें काफ़ी पुरानी बातें भी बताई, जैसे जिस टाइम पे वो खुद एक सोल्जर रह चुके थे, और उसके बाद जैसे उन्होंने वीडियो में आगे बताया कि ये इतने टेररिस्ट अटैक्स वगैरह जो हो रहे थे, इसका बेसिक पॉइंट उनकी यानी लिहाज से ये था कि G20 जो है वो इंडिया में होने जा रहे हैं। इन्होंने हमें ये भी बताया कि इनकी लोकेलिटी में क्या क्या फ़र्क है, और ये कहाँ कहाँ वाकई है, इनकी लैंग्वेजेस में डोगरी और कश्मीर जो है वो पंजाबी से रिलेटेड या उससे मिलती जुलती सी लैंग्वेज है। तो इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि किस तरह उस टाइम पे किस किस जगह पे ज़्यादा एक्टिवली टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, और उसके अलावा उन्होंने जो मेन बात की कि G20 वगैरह जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है इस दफ़ा, लोग यानी कि नहीं चाहते कि इंडिया आगे आए, वो इस तरह अटैक्स करवा के इंडिया का इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नो डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर इंडिया एक इतने बड़े उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम भी सपोर्ट करते हैं, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि इंडिया को अप्रिशिएट किया जाए, जिस तरह इंडिया आगे ग्रो कर रहा है और डेवलप कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे नेगेटिविटी फैले। बाकी इस हवाले से जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर